जय उत्तराखंड, वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन खबर। ब्लगना घाटी से नन्हे मुन्ने बच्चे बदलेंगे आप अपने भाग्य और क्षेत्र का भाग्य। जी हाँ, ये नन्हे मुन्ने बच्चे बाल पंचायत देवंश के हैं। यहाँ पर अभी जनवरी में ही बाल पंचायत देवंश का गठन किया गया, जिसमें बच्चों को उनकी एक्टिविटियाँ, उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर गठन किया गया। और यह एक बहुत ही अच्छी मुहिम चली। और मज़े की बात यह है कि बच्चों ने पहले ही कार्य में चित्रकला प्रतियोगिता हो या चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता या किसी भी तरह की प्रतियोगिता में बिना हिचक के उन्होंने काम किया। आपको बताते चलें कि ग्रामीण बाल पंचायत बजिंगा के नेतृत्व में आसपास के सभी क्षेत्रों के जो बच्चे गाँव में रह रहे हैं इनसे सीखकर वहाँ भी इस तरह की बाल पंचायतों का गठन किया जा रहा है। और यह एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, जिससे क्षेत्र में बच्चों में प्रतिभा को दिखाया जा सकता है और बच्चे आगे अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है और अपने क्षेत्र के विकास में अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। वैष्णो माउंटेन इन बच्चों का, इन संगठन का और यहाँ पर जितनी बाल पंचायतें काम करने लगी हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता है और हमेशा उनके साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेगा। देखिए हमारे सहयोगी दीपक मठाणी और निकिता साह की रिपोर्ट। तो मैं आपसे बता दूं कि एक ड्रामा नहीं, ये बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि हमारे गांव में भी जब हम शुरू करी तब बच्चे केवल ट्यूशन पढ़ रहे थे। लोग अपने बच्चों से जमाना क्यों पढ़ाई करो, उसको जोर दे रहे पढ़ाई पे, पढ़ पढ़ पढ़। और जो लोग पढ़ी जाएगा जमीन से कर देना सकता है, कोई विराट कोहली हो सकता है, लेकिन आप लोग महत्व नहीं देते। मैं गुट्टू के बच्चों की बात करूं तो गुट्टू के बच्चे क्रिकेट मतलब से खेलते हैं। मैं बचपन से ही एक ऐसा कचरे की गाड़ी, बाल्टी, झाड़ू, गांधी जी का चश्मा। ये क्यों है? कचरा। अच्छा, तो ये क्यों दर्शाया आपने इसमें? ये क्यों दर्शाया? ये कचरा बाल्टी में। तो नंबर बता दें, जो फर्स्ट है उनके 8 नंबर है, जो सेकंड है। दोस्तों की जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाल पंचायत देवन है और आज यहाँ पे बाहर से आए हुए अतिथिगण और बाल पंचायत बजिंगा आ रखी है। बाल पंचायत देवन ने बाल पंचायत बजिंगा से प्रेरणा लेकर यहाँ पे बाल पंचायत स्टार्ट की है। यहाँ पे गांव के लोग आ रखे हैं और यहाँ पे बच्चे भी आ रखे हैं। आज आपको भी दीदी होगा कि यहाँ पे बच्चों ने आज पेंटिंग प्रतियोगिता रखी है, जिसका रिजल्ट की प्रस्तुत हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर राजेंद्र चौहान। मिस्टर राजेंद्र चौहान सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप आज आप यहाँ पे आए तो आज आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? आपके नेतृत्व में बच्चे कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। बस जहाँ बच्चे हैं वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ बच्चे होते ही होते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम हो, मैं प्रदीप को, दीपक को और आप पूरी टीम बजिंगा से लेकर और देवंश तक की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम हो, बच्चों का जो मानसिक क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, उनका जो है क्रिएटिविटी है, बौद्धिकता बढ़ती है ऐसे में। तो ऐसे कार्यक्रम होने बहुत ज़रूरी हैं और इस तरह के कार्यक्रम हों और जहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का जितना उत्साहवर्धन हमें चाहिए कि हमारे अभिभावक हैं या हम इन बच्चों ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन करें और इस तरह से ये बच्चे आगे बढ़ें और देश का भविष्य बने। प्रदीप भाई जी, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बाल पंचायत का गठन किया है तो आपने किस मकसद से बाल पंचायत का गठन किया है? सबसे पहले तो मैं द वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके जितने भी तमाम श्रोता हैं आपका तहे दिल से स्वागत है और आप हमारी बाल पंचायत में हैं द वॉइस ऑफ माउंटेन, स्वागत जितने भी तमाम श्रोता हैं स्वागत करता हूँ। और आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कि आपने ग्रामीण बाल विकास का प्रारंभ किया है। तो देखिए हमने जो है यह कार्यक्रम 12 तारीख को हमने शुरू किया था, जनवरी में 12 तारीख 1 2022 को हमने यह कार्यक्रम
शुभारम्भ किया था और आज हम इस कार्यक्रम चलाते अभी हमको अभी लगभग एक हफ्ता हो चुका है। धन्यवाद प्रदीप भाई का। और आगे नाम मैं जसपाल सिंह रावत जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके नेतृत्व में बच्चे कैसा काम कर रहे हैं? हमारे नेतृत्व में तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है और बच्चों को ये काम सिखाया जा रहा है जिसमें हमारे साथ जो हैं भाई हैं हमारे छोटे ये सारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई जी ने बताया कि हम बच्चों को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो मैं भी आज बाल पंचायत देवंज में आए तो मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि जो बच्चे मंच में बोल रहे हैं थोड़ा भी झिझक नहीं रहे थे, तो हमें भी बच्चों से प्रेरणा मिली। बच्चे आ रखे हैं और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों के बाद धन्यवाद। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। जावा ए जावा।